Presenting Arena Square by Empire Arena. इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रेक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेज। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुंब्रा के बाईपास से सटा हुआ जो अंबेडकर पाड़ा इलाका है, उसके पीछे जो है काफ़ी जंगल जो है और यहाँ पर आज एक डेड बॉडी मिली है। बताया जा रहा है करीब 14 साल का जो है एक लड़का है जिसका नाम है मेहताब मंसूरी, उसकी डेड बॉडी ये जंगल है, काफ़ी घना जंगल है यहाँ पर और ऊपर काफ़ी पहाड़ के ऊपर जो है उसकी डेड बॉडी आज शाम के वक्त जो है किसी शख्स ने देखा और उसके बाद इसकी जानकारी मुंब्रा पुलिस को दी गई और मौके पर मुंब्रा पुलिस यहाँ पर पहुँची और शव को जो है बरामद किया और एम्बुलेंस के ज़रिए उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लेकिन अब जो जानकारी मिली है परिवार के तरफ से, जो मृतक लड़का है जिसका नाम मेहताब मंसूरी, उसके जो पिता हैं बिजलाउद्दीन मंसूरी, उन्होंने बताया कि 6 तारीख से जो है उनका ये लड़का गायब था और इसकी गुमशुदगी की शिकायत भी पुलिस में की गई थी और आज शनिवार यानी 8 तारीख है, 8 तारीख की शाम को यहाँ पहाड़ के ऊपर जो है उस बच्चे की जो है डेड बॉडी यहाँ से बरामद की गई है। हालांकि पहले शक में पुलिस ने आशंका जताई है, जो ACP हैं उत्तम रामचंद्र को लेकर इन्होंने बताया है कि हत्या होने की आशंका जताई जा रही है, लेकिन जो मृतक है उसके शरीर पर कहीं भी चोट के निशान या खरोंच के निशान ऐसे कुछ मौजूद नहीं है क्योंकि बॉडी जो है वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर मेहताब के साथ में क्या हुआ था, क्या हत्या की गई उसकी या उसकी मौत किसी और वजह से हुई है। बहरहाल ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात और आपको बता दें कि जो इलाका पूरा है ये काफ़ी पहाड़ी का इलाका है और यहाँ पर काफ़ी घने जंगल हैं और यहाँ पर ज़्यादातर जो है लोग नशा करने के लिए आते हैं। यहाँ पर अब तक जो है करीब 4 से 5 लोगों की इस तरह से जो है हत्या का मामला सामने आ चुका है और आज फिर जो है यहाँ पर एक 14 साल के मेहताब जो यहीं रशीद कंपाउंड के पास रेहान बाग इलाका है वहीं का रहने वाला है और 6 तारीख को ये लापता हुआ घर से और 8 तारीख की शाम को उसकी डेड बॉडी इसी जो अंबेडकर पाड़ा इलाका है उसके घनी जंगलों से बरामद किया गया है। पुलिस आशंका जता रही है कि इसकी हत्या की गई, लेकिन असली वजह जो है इसकी मौत की क्या है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि अभी जो है ADR के तहत मामला दर्ज किया गया है, इसकी अगर हत्या की गई है तो फिर इसमें और धाराएं जोड़ी जाएंगी और आरोपियों की भी तलाश कर उन्हें भी सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। परिवार के लोगों से भी बातचीत हमने की है, उन्होंने क्या कहा और ACP सर ने भी क्या कुछ इस मामले को लेकर जानकारी दी है आपको सुनाते हैं। आपका क्या नाम है और जो आज एक डेड बॉडी यहाँ पर मिली है आपने पहचान किया कि क्या वो डेड बॉडी आपके बेटे की है, क्या बताएंगे और कब से लापता था वो? जुमेरात को रात से। क्या नाम था आपके बेटे का? आज से मेहताब। उम्र क्या थी इनकी? 13 या 14 साल लिखाया था। 14 साल पुलिस में आपने इसका कंप्लेन भी किया था जी। अच्छा, तो आज उसकी डेड बॉडी मिली है, आपने पहचाना कि क्या वाकई में उसी की डेड बॉडी है? उसी का है डेड बॉडी। आपका क्या नाम है? आसिफ। आप उसके भाई हो? आपने ही पुलिस वाले को कुछ किया कि ये मेरे भाई की ही बॉडी है, तो क्यों करके वो घर से लापता हुआ था? कुछ आपका विवाद हुआ था घर पे या कुछ क्या हुआ था? कुछ भी नहीं, ऐसा हुआ था वो रात में गया 1:15 तक वो गेट पे खड़ा था। किस तारीख किस दिन की बात है? जुमेरात के रात में। जुमेरात के रात में? हाँ। मतलब 1 बजे मतलब जुम्मा लग जाता है ना? हाँ जुम्मा लग जाता। जुम्मा लग गया तो नीचे वो गया
नीचे जूस पिया फिर बोलता है मैं जा रहा हूँ शिवली नगर, एक था बच्चा तो बोले मैं खाला की इधर जा रहा हूँ, वो बोल के गया फिर आया ही नहीं। किसी के साथ नहीं गया था? नहीं, वो अकेले ही गया था। अच्छा, फिर दोस्ती यारी संगत कैसी थी उसकी? दोस्ती यारी ज़्यादातर रान बाग में रहता था वो। मतलब कुछ नशा वशा भी करता था? नहीं, नशा वशा नहीं करता। नहीं कुछ आपका विवाद वगैरह किसी और से, किसी पे शक? शक तो नहीं किसी भी। अच्छा, रात में से कभी बाहर निकलता था वो? नहीं, ऐसा जल्दी नहीं निकलता था, समझ जाओ 10:30-11 बजे तक घर पे आ जाता था। गुमशुदगी की उसकी रिपोर्ट भी पुलिस में कराए थे अभी? हाँ कराए थे ना। सर, देवड़ी पाड़ा अम्बेडकर नगर परिसर में एक बच्ची की डेड बॉडी मिली है, तो आप भी यहाँ आए थे, तो क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से मतलब ये हत्या की गई है, क्या हुआ है? मेहताब मंसूरी करके 14 साल का लड़का है, जो 6 तारीख को शाम को 7 बजे से मिसिंग था। उसके माँ पिताजी ढूंढ रहे थे, नहीं मिलने की वजह से उन्होंने 7 तारीख को रात को आए। 7 तारीख की रात को उनका कंप्लेंट लिया गया किडनैपिंग का, और आज उसकी डेड बॉडी मिली है। तो डेड बॉडी हमने पोजीशन में ली है, डेड बॉडी डिकम्पोज है, इसलिए अभी कुछ बता नहीं सकते। डेड बॉडी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं, पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद जो भी वजह है पता चलेगी, और वही हिसाब से हम लोग अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू कर रहे हैं। सर, डेड बॉडी पहाड़ के काफ़ी ऊपर में था, तो क्या लग रहा है आपको कि ये खुद वहाँ गया होगा या इसकी हत्या वहाँ पर की गई होगी? आशंका क्या है, हत्या की आशंका है या फिर सकते? बराबर है, डेड बॉडी वहाँ पर है, लड़का 14 साल का है, 14 साल का लड़का वहाँ पर जा सकता है, तो इस स्टेज पर हत्या है या डेथ है ये बोल नहीं सकते हैं सर, लेकिन ये जल्द ही पता चलेगा और ये इसके जड़ तक हम लोग जाएंगे। ये स्टेज पर नहीं बता सकते क्या है, मर्डर है क्या है, तो जैसे कल दोपहर तक इसका पोस्टमार्टम होगा, पोस्टमार्टम में पता चलेगा। और साइड बाय साइड हम लोग ये सोच के चल रहे कि कुछ बात हो, कुछ क्राइम हो, वो हिसाब से हम लोग फिलहाल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जनरली ऐसे इसमें हम लोग एक्सीडेंटल डेथ करके रजिस्टर करते हैं और बाद में पता चलता है कि क्या है, लेकिन हम लोग इसी शुरू से ही हम लोग कुछ अलग एंगल से हम लोग उसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।